एक तरफ जहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान बस्तर के जंगलों में नक्सलियों पर लगाम कसने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आम लोगों को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि नक्सलियों के निशाने पर अब समाज सेवी भी हैं। ऐसे निस्वार्थ समाज सेवी जो बस्तर जैसे दुर्गम इलाकों में लंबे वक्त से आदिवासी ग्रामीणों को अपनी सेवाएं देकर उनके जीवन स्तर को सरल और सहज बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल नक्सलियों ने इस बार बस्तर के रहने वाले पद्मश्री सम्मानित वैद्य हेमराज मांझी को जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों की इस धमकी का खौफ इसलिए भी है क्योंकि माओवादी वैद्यराज हेमचंद मांझी के भतीजे को पहले ही मौत के घाट उतार चुके हैं। बता दें कि वैद्य हेमराज मांझी पिछले 50 सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार करते रहे हैं, लेकिन हेमराज ने नक्सली भय के चलते अपना पद्मश्री अवार्ड सरकार को वापस लौटाने और इलाज बंद करने का फैसला ले लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि हेमराज मांझी बीते 6 महीनों से नक्सली भय के चलते अपना गांव छोड़ शहर में रह रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार उन पर हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन नक्सली इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद उन्हें पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से ये धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि इलाके में संचालित खदानों के लिए हेमचंद मांझी अभी भी काम करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पर छत्तीसगढ़ सरकार आखिर क्या एक्शन लेती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।